4 बजे इवेंट है और अराउंड 2 बज गए हैं, 2 घंटे हैं, तो अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में। तो गाइस गुरुमान सर को होटल में छोड़ दिया। सेमिनार तो सुपर ऑसम था यार, इतना मज़ा आया और इतना क्राउड था यार यहाँ पे। हेलो, वेलकम टू अभिषेक व्लॉग एट अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, और मैं हूँ इस टाइम होटल रेडिसन रेड में। और आज का व्लॉग सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत बड़े फिटनेस लेजेंड आज इस व्लॉग में आने वाले हैं, शामिल होंगे, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। और गाइस सरप्राइज रहने दो, जब तक वो नहीं आते बस मिलने, अब बस लिफ्ट से उनके रूम पे जा रहे हैं मिलने। और साथ में हमारे सलमान भाई, थैंक यू अभिषेक सर, इनका सीजन मास्टर सेलो है मोहाली में, और बड़ा कमाल का इनका काम है यार, पता नहीं कितने सालों से मैं वहां जा रहा हूँ। और हमारे जिम के सारे मेंबर्स इनके पास आते हैं, पूरे ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पता नहीं, और सब सारे सेलिब्रिटीज इनके पास आते हैं। तो अभी थोड़ी सी स्टाइलिंग कराएंगे मस्त, और जब वो फिटनेस लेजेंड है ना, उन्होंने भी इनसे ही स्टाइलिंग कराई है। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं, फिर मिलवाता हूँ मैं। तो गाइज ये था आज का सरप्राइज, मिस्टर गुरुमान एट अभिषेक व्लॉग्स एंड एट अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। सो पाजी, सो गुड टू हैव यू यार। 2019 में मिले थे और आज 2023 में दोबारा मिल रहे हैं। मिशन इंडिया फिट तब भी पाजी का वो चल रहा था प्रोग्राम, और आज हम फिर। पाजी इस बार कितने इवेंट्स कर रहे हो आप मिशन इंडिया फिट में? 21 है, 21 लाइक ऑफिशियल इवेंट है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल इवेंट्स काफी है, तो डबल आप देख लो 40 के बाद चला जाएगा। 40 बड़ा इवेंट है सीजीसी में, उनके बाद इनके जिम में जा रहे हैं अल्टीमेट, तो वो 2 इवेंट्स हो गए बिल्कुल, तो डबल करेंगे तो 30-40 प्लस। चलो बस अब कार में बैठ के पाजी से बात करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, पाजी की ना एक मूवी आने वाली है, बड़ी एक्साइटिंग मूवी है, उसके बारे में भी पाजी से ना अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेलर जान लेंगे उस मूवी का, क्या कब आने वाली है, कब रिलीज होने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहना। तो गाइज गुरुमान पाजी से ना मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, इनकी वीडियोस देख देख के ना, मतलब इतना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन करा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनका कंटेंट हमेशा बड़ा रेलेवेंट और बहुत नॉलेजेबल रहा है, मोटिवेशन से भरा, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में भी कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन डाला जाए। तो मैं आज पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ भाई से मिलके, और तकरीबन 5 साल बाद भाई से मुलाकात हुई है। तो भाई 5 साल तो सेमिनार हुआ ही नहीं है ना उसके बाद इंडिया में, लेकिन कोविड से पहले और कोविड के बाद हमारे मिलने का तरीका और हमारा वो चीज सेम ही है। हाँ राइट, बिल्कुल, कोविड ने हमें नहीं बदला और फिटनेस को इवन बूम किया। तो इवेंट हुआ उसके बाद, लेकिन 2-3 साल कोविड के कारण कोई वो क्राउड इकट्ठा करना मुश्किल था, सभी लोग ये, जब कोविड खत्म हुआ तो हमने इवेंट दोबारा शुरू किया लास्ट ईयर, दिस ईयर वी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग दोबारा, और अभी तो पूरा बहुत लंबा हमारे इवेंट्स है। और हमारा जो चंडीगढ़ का है ये अभिषेक जी, जिन्होंने हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी वहाँ इवेंट किया था, यूनिवर्सिटी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आएगा पंजाब की बात किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पॉपुलर, वहाँ किया था उन्होंने, वहाँ मुलाकात हुई, तो ही लुक्स वैसे ही जैसे नहीं पाजी मैं पहले से थोड़ा मोटा हो गया पहले मैं जिम में बैठता था ना, एक्चुअली पहले एट दैट टाइम मेरा सिर्फ जिम्स का ही काम था, उसके बाद मैंने बहुत एड ऑन्स करे, लाइक अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन इज नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्ले एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ जिम इक्विपमेंट्स, जो आपने ऑडिटोरियम की कल मैंने वीडियो डाली थी, दैट इज माय कॉर्पोरेट ऑफिस, और वहाँ हाँ हाँ और वो जिम इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले है इंडिया का सबसे बड़ा, तो हम आज वहीं पे ही इवेंट कर रहे हैं अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन। हां दैट्स नेम ही बहुत अल्टीमेट है, आई वुड लव टू सी देयर इक्विपमेंट्स और इनको आई विल आई वांट टू विश देम ग्रेट सक्सेस, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना वो इतनी इतनी लोग बोलते हैं बहुत छोटी है, मेरे फादर बोलते हैं इतनी छोटी है, क्या कर रहा है इसके अंदर कुछ नहीं है, काम कर आईटी में कर, बहुत बड़ा ये कर वो कर, राइट, पैशन आपका होता है कभी आपके माँ बाप नहीं समझते, तो इतनी सी इंडस्ट्री जो है ना वो हाथ खोलने मुश्किल इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हर फील्ड के लोग फिटनेस में इक्विपमेंट लोगों ने घरों में बाय किए हैं, जैसे कोविड आया ना, बिल्कुल बिल्कुल, भाई हेल्थ तो सबसे जरूरी है, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, और जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम वाले बंदे थे दे आर हाई रिस्क, तो जो लोग फिटनेस जिम वाले थे बिलो वेल्थ थे, सो बेसिकली फिटनेस बहुत जरूरी, बहुत बड़ा है, तो इनका जो बिजनेस है ये बहुत ही और बूम करेगा, क्योंकि ये इक्विपमेंट तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन तो चाहिए सभी को, तो इट्स बिग। भाई आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट करा था, कौन से ईयर में? 13 में, तो आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन है ना फिटनेस इंडस्ट्री में जिसने शुरुआत करी, लोगों को एजुकेट करना शुरू करा, राइट तो आज पाजी के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, तो पाजी थोड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाओ, हम भी लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं फिटनेस के लिए। आशीर्वाद आप लोगों का प्यार है, देखो आप मैं चंडीगढ़ आया, आपने टाइम निकाल कर आप मिल रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप और अपने आगे के लोगों को मिला रहे हो जो मिलना चाहते हैं लेकिन सीधा मुलाकात हो पानी मुश्किल होती है, राइट, यू आर इन द मिडल, हेल्प ऑल दीज पीपल जो मेरे से मिल सके और मैं जो उनसे मिलना चाहता हूँ, सो आई थिंक
ब्लेसिंग आपकी है हमें, यू नो, आपका आशीर्वाद। लाइकवाइज पाजी, लाइकवाइज पाजी। आई विश यू गुड लक फॉर ऑल द स्टफ यू आर डूइंग, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा भाजी, थोड़ा प्लीज अपनी मूवी के बारे में बताओ, वो कब आ रही है और उसका स्टोरी लाइन क्या है, मतलब आपने कैसा रोल उसमें करा हुआ है? थोड़ा सा वीडियो में बताता हूँ, सोचता हूँ वहाँ पर टाइम ना मिले। ये पागलपन नेक्स्ट लेवल टाइटल है मूवी का, और इसका भी फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च किया है। इसकी रिलीज डेट 2-3 दिन के अंदर हम डाल देंगे विद सेकंड न्यू सेकंड लुक पोस्टर। ओके, तो ये मूवी इंडिया की पहली फिटनेस के ऊपर मूवी है, फर्स्ट एवर मूवी। किसी भी तमिल से पकड़ लो, पंजाब से पकड़ लो, गुजरात से पकड़ लो, हिंदी इंडस्ट्री पकड़ लो, फर्स्ट एवर मूवी। और हैरानी की बात यह है कि ये मूवी मेरी जिंदगी की कहानी है। क्या बात है, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, यामा की स्टोरी से लेकर लैम्बोर्गिनी तक का सफर, मेरे पर्सनल पार्ट टाइम पर्सनल ट्रेनर से लेकर वन ऑफ रिचेस्ट पर्सनल ट्रेनर इन द वर्ल्ड, दैट टाइटल मैंने अभी आपको बता दिया, फनी राइट। ये सफर इसके अंदर मैं भी एक आप जैसे स्मॉल घर से बिलोंग करता था, ठीक है, और मेरे फादर इस प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी चोरी चोरी हम वर्कआउट करते रहे, पैशन से प्रोफेशन बना, यूएस गया, वहाँ काम किया एज अ ट्रेनर, यू नो, और वापस इंडिया के लिए मिशन इंडिया फिट शुरू किया, कुछ बात ट्रिगर की मुझे, तो उसके बाद वो पागलपन जो मिशन इंडिया फिट का लोगों को फिट करने का है, उसके लिए धक्के खाए 4-5 साल मैंने इंडिया के अंदर पूरे, फिर यूट्यूब पर आया और यूट्यूब से डायरेक्ट लोगों तक बात। तो एक सफ़र है इसके अंदर, जो मेरे कॉलेज की लाइफ, जो मेरी पहले 20 साल की लाइफ इंडिया की थी उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर बाद की लाइफ यूएस की है, तो एक सारा एक ट्रू स्टोरी है, जो जिसके अंदर जब ये स्टोरी मैंने दी, प्रोड्यूसर ने मुझे पूछा कि आपकी स्टोरी चाहिए, मैंने कहा स्टोरी मतलब मेरे में है ही कुछ नहीं, मैंने किया ही कुछ नहीं, क्यों चाहिए, नहीं कहते आपको छोटी लगती होगी लेकिन आपकी स्टोरी बहुत बड़ी है, वी नीड टू इंस्पायर आर यूथ बिकॉज दैट्स समथिंग नेवर नो वन एवर डन इट। तो मैंने तो ओके आई जस्ट गिव दैट, ठीक है, 2 महीने बाद मैंने प्रोड्यूसर को बोला ठीक है गिव यू राइट। तो अब इन द एक्साइटमेंट मैंने पूछा कि स्टार कास्ट के बारे में बताएंगे, गुरुमान का रोल किसने प्ले करना है, क्या आपके दिमाग में है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कहते सर गुरुमान का रोल गुरुमान से बेटर कोई प्ले नहीं करेगा। अच्छा, यू आर गोइंग टू प्ले योर ओन रोल। आई एम 40 ईयर ओल्ड, क्या बात कर रहे हो, 38 होगा उसमें, कोविड से पहले की बात, ठीक है। तो बोलते हैं कि यू डोंट लुक बट वी विल डू योर लुक टेस्ट सिनेमैटिक। तो मेरी लुक टेस्ट हुई कैमरे के अंदर, सारे लुक टेस्ट करते हैं, दंदे से, बिकॉज़ आई वाज प्लेइंग माय ओन रोल, अपना रोल 19 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, यू नो, दैट्स अमेजिंग। तो वो एक मूवी स्टोरी बहुत अच्छी है, यू गाइस विल लव इट, थिएटर में जल्दी रिलीज हो रही है, 2-3 दिन में बताएंगे। और मैं चाहता हूँ जो फिटनेस आप लोग देख रहे हैं, जो हमारी सारी फिटनेस की फैमिली है, उनके लिए मूवी है, सब हर कोई रिलेट करेगा गुरुमान की स्टोरी से, क्योंकि मैं कोई अंबानी और अडानी के फैमिली से तो नहीं आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉल हाउस, स्मॉल एक फार्मर बोलो आप, मेरे फादर थे, उस स्मॉल से आया हूँ, जिनकी सोच मेरी सोच बड़ी थी और उनकी लिमिटेड थी, तो वो होता है इस तकरार के दौरान। सो आई प्रूव्ड माय फादर रॉन्ग एंड आई मेड दिस फिटनेस प्रोफेशन सो लार्ज। और मैं चाहता हूँ जितने लोग आगे आना चाहते हैं, सो उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, ये ब्लू प्रिंट है मूवी के अंदर, आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो वेरी नाइस पाजी, हैट्स ऑफ टू यू, आपके एफर्ट्स और आपने जो जो कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए, हम सबको मोटिवेट कर रहे हो। और गाइस, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब ने पाजी की मूवी को दिल भर के सपोर्ट करना है, ट्रैक्टर भर भर के लेके जाने हैं अपने गांव से लोगों को थिएटर में। नहीं पाजी, पता क्या है, नहीं पाजी देखो, बाकी किसी की भी मूवी आई हो वो एक एंटरटेनमेंट है, बट इस मूवी से ना मोटिवेशन सबको इतने मिलने वाला है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, क्यों है ना, ये पिक्चर का हर एक सीन मोटिवेशन का, हर एक सीन आपसे रिलेट करेगा, जिम के अंदर अंडे उबालने से लेकर जिम के अंदर वर्कआउट करने तक, वो जो लाइफ है आपकी, जो आप लोग इस समय जी रहे हैं, और अभी आप यंग हैं और आने वाला टाइम आपका, मैंने वो लाइफ जी चुका हूँ, और आपको हर चीज वो महसूस होगी, मेरे हर स्टेप्स जैसे आगे बढ़ाऊं, यू विल लव इट 100%। मुझे लगता है इस मूवी के रिगार्डिंग जितना अभी सर ने बताया, तो मतलब जैसे बाकी मूवीज हम देखते हैं ना, उसमें आपको एंटरटेनमेंट होता है 1-2 घंटे का, और 1-2 घंटे आपको मतलब उसका इंप्रेशन रहता है, पर ये मूवी से शायद और बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है, जैसे अब सर की स्टोरी आप मूवी में देखना, तो उससे आप इंस्पायर हो गए, अपने लिए भी आप कुछ सोच सकते हो, और ऐसा आप मतलब अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आई थिंक दैट्स द मोटिव ऑफ दिस मूवी, इट्स गोना रॉक। कॉमेडी या रोमांस, इट्स लाइक फॉर टेंपरेरी, ये इसमें ये नहीं है, शाहरुख खान या सलमान जी, इन चीजों आपने
धोनी देखी होगी आपने, मिल्खा सिंह देखी होगी, धोनी में आपको इंस्पिरेशन मिलती है क्रिकेट में कि छोड़ना नहीं, जब टाइम आएगा आपका टाइम होगा. सो समवन हु वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, ग्रेट इंस्पिरेशनल मूवी. सूरमा मूवी इसमें हॉकी में थी, दैट्स अनदर ग्रेट इंस्पिरेशनल मूवी. मिल्खा सिंह एथलीट पर बनी थी, स्प्रिंटर के ऊपर. बहुत बड़े नाम है ये, यू नो मेरा नाम बहुत छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है. फिटनेस और फिटनेस की फैमिली बहुत बड़ी है आज की टाइम में, बिल्कुल, और ये बढ़ती जाएगी. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट फॉर श्योर. ऑल द बेस्ट भाई हमारी सबकी टीम की तरफ से. थैंक यू वेरी मच. तो जो इनकी मूवी का नाम है ना पागलपन, वो एक्चुअली इनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी करता है, क्योंकि लोग और जितने भी यूथ है ना इनको देख के पागल हो जाता है. बड़े लोग इनको यंगस्टर सुनने के लिए आते हैं. ये ट्रू फिटनेस आइकन है हमारे, ट्रू फिटनेस आइकन. बस अब पाजी के साथ कॉलेज में जा रहे हैं, और कॉलेज में आप देखना यार यूथ ना पाजी को देख के पागल हो जाता है. तो गाइस अब चलते हैं. तो अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में. तो गाइस गुरुमान सर को होटल में छोड़ दिया. सेमिनार तो सुपर ऑसम था यार, इतना मजा आया और इतना क्राउड था यार यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा साथ मिलके. और जिस पर्सन ने यार जीरो से यहाँ तक पहुंचा होना और इतनी फैन फॉलोइंग बनाई हो, तो साथ मिलके बैठ के बहुत अच्छा लगता है. तो अब हम होटल में उनको ड्रॉप कर दिया, अब हम जा रहे हैं अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे 4 बजे इवेंट है और अराउंड 2 बज गए हैं, 2 घंटे हैं. हम भी लंच करेंगे और उसके बाद सारा अरेंजमेंट्स देखेंगे, और अब अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस में आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सेमिनार. और वो तो सेमिनार पूरा रिकॉर्ड होगा, मतलब आप सोचो हमने इतना अरेंजमेंट करा, इतनी प्रिपरेशन करी सेमिनार कराने के लिए, और आप लाइव नहीं आ पाए, बट आप बाद में पूरा एक्सपीरियंस ले लोगे. मैं पूरा ही सेमिनार डाल दूंगा उनका यूट्यूब पे. तो गाइस बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हमारी पूरी टीम बहुत मोटिवेट हुई है मान सर से मिलके, और सर ने क्या डिलीवर करा है, अपनी लाइफ की स्टोरी बताई. तो गाइस मान सर से पूछेंगे, सर आपका क्या फीडबैक है हमारे अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस के लिए? वेरी नाइस. आई मीन अभिषेक, मैं अभिषेक जी को जानता हूँ, पहले इवेंट किया था जैसे 4-5 साल पहले. आज यू नो ही इज नेक्स्ट ईयर क्लियर होता है कब यू नो अपग्रेड लेवल, एंड ही इज डूइंग रियली गुड. अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन जो है, इक्विपमेंट्स, उसका स्टेशन, उसकी फील, वेरी नाइस गुड वाइब. लाइक यू सी लाइक जैसे मैंने US के अंदर ऐसे ऐसे जिम्स देखे हैं जो शायद हम इंडिया में सोच नहीं सकते. सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दोस इक्विपमेंट्स, आई वाज लाइक मैन दैट्स अमेजिंग, दिस इज लाइक अ 2023 वाइब. सो बहुत अच्छी वाइब, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप. तो मैंने वो स्टेशन यूज नहीं किया बिकॉज आई वाज लाइक विद पीपल, लेकिन आई थिंक इनके बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इनके जिम सेटअप्स हैं. अगर कोई आसपास रहते हैं आप चंडीगढ़ में, या आप यू नो इस बिजनेस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कम एंड चेक आउट हिज कॉर्पोरेट ऑफिस. ही हैज अमेजिंग सेटअप ओवर देयर. मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैं गया क्योंकि मैं इनको जब पहले मिला था तो जिम ओनर थे, अब वो इनके जिम का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, यू कैन कम एंड सी दिस थिंग. अगर जिम खोलने वाले बंदे हैं, यू विल सी लाइक अ गुड स्टफ. तो अगर मैंने कभी जिम खोला यहाँ, मेरा चलो मेरे पास ऐसा नहीं है, बट होता तो आई वुड लव टू से कैसे कैसे होता है. सो यू नो आई वुड लव टू डू दैट. सो अगर आप आसपास हैं तो ट्राई करना. देखो मैं आपको मालूम है एंडोर्स नहीं करता हूँ, और ना ही अभिषेक जी ने मुझे इसमें बोला है. मैं दिल का बंदा हूँ, अगर अच्छा लगा तो बोल दिया, नहीं अब नहीं बोलूँ. तो मुझे अच्छा लगा तो मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ. इट्स रियली गुड, एंड आई विश यू गुड लक अभिषेक जी फॉर लाइफ. Thank you so much, Paji. It means a lot for us and for our entire team. Yes, of course. है ना? We had a fruitful day.
बहुत अच्छा लगा सर के साथ इतना टाइम हमें मिला और बहुत कुछ सीखा। रात हो गई है, सुबह से लग गया। एग्जैक्टली वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। अभी एक दो मीटिंग सर की तो और पेंडिंग है, तो वेरी बिजी डे फॉर हिम। ट्रू, यस, ट्रू। ऑलराइट गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज अभिषेक विद डैनियल एंड विद मान साहब एंड विद ज्योति बाजी। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। तो आज का व्लॉग तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग इससे भी ज्यादा मोटिवेशन से भरा होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं दिखाऊंगा कंप्लीट वीडियो जो गुरु मान ने स्टेज पे सेमिनार में अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस में बोला है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए होंगे, बट आज आपको मौका मिलेगा वीडियो के थ्रू उनके बारे में जानने का। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना।